हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 5 बजे हैं और आप लोग छोटा सा अपडेट देता हूँ। अभी यहाँ पे भाई बहुत ही भयंकर बारिश हुई अभी से 2 घंटे पहले, बहुत ही ज़्यादा भयंकर। और मैं रात में भाई देखने नहीं आ पाया, मेरे को डर लग रहा था भाई कि आउटडोर में रहता पहले तो पॉन्ड रखा हुआ है तो उसमें भाई ओवरफ्लो हो सकता है, फिशेज भी है उसमें तो फिशेज बाहर नहीं। भाई मेरे को यही डर लग रहा था, लेकिन रात तक उसमें आ नहीं पाया। तो अभी जाके पहले देखते हैं कि क्या हाल है उसका। अभी भी गाइस हल्की हल्की बारिश हो रही, देख सकते हो। इस अपना पॉन्ड देख लेते हैं। ओ भाई साहब, बच गया यार, पूरा पानी नहीं भरा, देख सकते हो। बस इतना सा और बचा है, मतलब ज़्यादा पानी भी नहीं भरा, हल्का कम ही था इससे, लगभग इतना भरा होगा। बट अब मैं चांस नहीं लूँगा, मैं सोच रहा हूँ मैं इधर इधर से भाई छेद कर दूँगा थोड़ा थोड़ा किसी लोहे की चीज़ से, कील से, ताकि जब भी पानी भरने वाला तो पानी नीचे गिर जाए और इस दीवार के वजह से भाई बच पाए। क्योंकि आपको पता होगा पानी हमेशा सीधे नहीं गिरता है, कई बार हवा की वजह से टेढ़ा भी हो जाता है, तो इसीलिए। और बाकी एक पॉन्ड भाई मैंने ये बना रखा है और एक ये आला, तो आपने देखा ही होगा जिसमें मैं फ्राइज अरेस करा तो मैं सारे उठा के भाई इसमें डाल दिया। देख सकते हो इनकी ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से हो रही है इसमें, और बहुत ही सारे हैं इसके अंदर। मैं अब इनको काउंट तो नहीं किया पर लगभग इसमें 100 तो होंगे भाई। इसमें गप्पी और मॉली, ब्लैक मॉली, वाइट मॉली, प्लेटी, इन फिशेस हैं, यही सब फिशेस हैं। और इसमें मैं गप्पी ब्रीड कराने वाला हूँ भाई बहुत ही जल्द, तो बहुत सी सारे वीडियो आने वाले हैं चैनल पे, तो स्टे ट्यून। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। तो अभी गाइस एक बहुत मस्त लोकेशन पे मैं आ चुका हूँ, देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा लश ग्रीनरी, हर तरफ एक्वेटिक प्लांट्स। और मैं यहाँ से आज कुछ एक्वेटिक प्लांट्स लेके जाने वाला हूँ, और जो प्लांट्स मैं नहीं लेके जाऊँगा बट अगर यहाँ पे अवेलेबल होगा तो उसको भी मैं दिखाऊँगा, उसके बारे में बताऊँगा। और इस लोकेशन के बारे में बता देता हूँ, तो गाइस इस जगह का नाम है पीपा पुल, देख सकते हो ये, और ये है लखनऊ में। तो जितने भी मेरे लखनऊ वाले सब्सक्राइबर हैं जो अपने मतलब एक्वेरियम में प्लांट्स लगाना चाहते हैं फ्री में, तो आप यहाँ से आके ले जा सकते हो। अभी काफ़ी अच्छा समय है, जून का मंथ है, तो काफ़ी सारे प्लांट्स हैं और जून से जुलाई तक काफ़ी सारे प्लांट्स आ जाएंगे इसमें। और अगर आपको लोटस का प्लांट चाहिए होगा तो लोटस का प्लांट भी मिल जाएगा जून से जुलाई के मंथ में। और मैंने भी वहाँ पे देखा था उस जगह, जब मैं उस ब्रिज से आ रहा था मैंने देखा कि लोटस का प्लांट था, तो भाई वो तो काफ़ी दूर है। और अगर आप जुलाई तक आएंगे तो देखेंगे भाई यहीं पर ही, जस्ट यहीं पर ही उगा रहता है लोटस, और मैं यहीं से ले गया था अपने मतलब जो मैंने अपने फिश पॉन्ड लगा रखा है। तो दिखाते हैं यहाँ पे कौन कौन से प्लांट्स अवेलेबल हैं। तो गाइस देख ही सकते हो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वाटर हाइसिंथ भरा है, हर तरह वाटर हाइसिंथ ही हाइसिंथ दिख रहा है, और काफ़ी अच्छे फ्लावर्स आए हुए उधर, तो देख लो भाई ज़्यादा मस्त लग रहा है एकदम पिंक पिंक सा। और मेरा धीरे धीरे पता नहीं क्यों मन हो रहा है कि मैं एक वाटर हाइसिंथ ले जाऊँ यहाँ से अच्छा सा देख के। ओके आगे एक्सप्लोर करते हैं। और मुझे एक और प्लांट दिख गया गाइस, ये है वाटर स्पिनच, देख सकते हो काफ़ी लंबा सा हो गया और ये भी बहुत आसानी से उग जाता है। बट मैं सोच रहा हूँ इसको ले जाऊँ या नहीं, अभी देखते हैं फिलहाल क्या मैं डिसाइड करता हूँ। और मैं यहाँ पे एक्सप्लोर कर लेता हूँ, बहुत सारे प्लांट्स हैं। और गाइस तुम लोग लोकेशन देख ही सकते हो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, यहाँ पे एक बोट पड़ी हुई है और मौसम भी आज बहुत ही अच्छा है, बारिश हुई थी सुबह सुबह। बाकी देख ही सकते हो हर तरफ ग्रीनरी। एक बार मैं वाइड एंगल व्यू दिखाता हूँ तुम लोग। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हॉर्नबर्थ उगा हुआ है, हर तरफ हॉर्नबर्थ ही हॉर्नबर्थ है। और इसमें भाई बहुत सारे मुझे वाइल्ड गोरामी दिख रही है, बहुत बड़ी बड़ी। फिलहाल तो मैं नेट लेके नहीं आया और पकड़ना भी भाई मुश्किल है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी हैं भाई। तो जितने भी लोग भाई लखनऊ के अगर आना चाहते हो तो भाई यहाँ से ले जा सकते हो, काफ़ी बड़ी बड़ी फिशेस दिख रही हैं मुझे। और पता नहीं थोड़ी बहुत भाई सिकलेट जैसी दिख रही है, आई डोंट नो कैसी फिशेस हैं ये। अगर भाई कोई पकड़ रहा होता कोई मछुआरा तो भाई मैं उनसे ले लेता। गाइस जस्ट सामने पूरा पूरा मुझे ग्रुप दिख रहा है फिश का पूरा, और आई डोंट नो आपको कैमरे में दिख रहा होगा कि नहीं भाई, बहुत ही ज़्यादा मेरा मन कर गया भाई इनको पकड़ने का, बट मैं नहीं पकड़ सकता फिलहाल। अगर कोई आ सकता है यहाँ पर तो भाई यहाँ से ज़रूर पकड़ के ले जाना, काफ़ी सुंदर सुंदर दिख रहे हो, काफ़ी बड़ी बड़ी सी हैं। इधर पूरे प्लांट के पास दिख रहा होगा आपको, देखो एक छोटी सी फिश छोटी, और देख सकते हैं और भी फिशेस हैं। सो गाइस मुझे यहाँ पे कुछ मस्त से प्लांट दिख रहे हैं पानी के अंदर, मुझे इनका नाम तो नहीं पता भाई, और काफ़ी अच्छे अच्छे दिख रहे हैं इधर देख सकते हो। मैं सोच रहा भाई इनको ले जाऊँ, स्टम्प टाइप के दिख रहे हैं ये, देख सकते हो स्टम्प आया काफ़ी ज़्यादा, और बगल बगल से रूट भी आया, तो मैं सोच रहा हूँ ले जाऊँ इनको, प्लांटेड टैंक पर लगा सकता हूँ। ओके गाइस तो मैं कुछ स्टम्प तोड़ लेता हूँ, देख सकते हो ये अच्छा लग रहा भाई, काफ़ी लंबा है भाई साहब, टूट नहीं रहा है, थोड़ा सा नीचे तोड़ने की कोशिश करूँगा ताकि रूट भी आ जाए। टूट गया भाई, देख सकते हो रूट भी है बट कोई दिक्कत नहीं। और ये छोटे छोटे से दिख रहे हैं ये भी अच्छे लग रहे हैं भाई, इनको भी तोड़ ले रहा हूँ, तो जस्ट यहीं से आए हुए हैं, काफ़ी बड़ा सा भाई, इसको ही तोड़ लूँगा तो पूरा हो जाएगा। ओ शिट भाई साहब, काफ़ी ज़्यादा लंबा है भाई। तो मैंने भाई बहुत ही ज़्यादा लंबा सा स्टम्प तोड़ लिया देख सकते हो, तो इसी में से मैं डिवाइड कर लूँगा, बाकी छोटे छोटे प्लांट्स हो जाएंगे। देख सकते हो रूट भी निकला हुआ है किनारे किनारे पे, तो इसको रख लेता हूँ और भी कुछ मैं प्लांट देखता हूँ। तो देख सकते हो गाइस यहाँ पे ये मस्त वाटर हाइसिंथ दिख रहा भाई, मैं सोचा उसको ले लूँ, काफ़ी अच्छा दिख रहा है, छोटा सा फ्लावर भी है इसमें।
फैला हुआ है काफ़ी ज़्यादा भाई, रूट ही रूट देख सकते हो। एक प्लांट खींचा तो उसके पीछे तीन प्लांट आ गए। कोई बात नहीं भाई, तुम भी चलो मेरे साथ और क्या। एक भाई ख़राब लग रहा है, इसको निकाल दे रहा हूँ। तो भाई देख सकते हो तीन प्लांट है, तीनों को अलग अलग कर दूंगा। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे मस्त लोटस का प्लांट उगा हुआ है एक, बहुत ही नीचे भाई, तुम लोग उखाड़ नहीं पाएंगे, काफ़ी ज़्यादा नीचे है। और इस टाइम ब्रिज पे आ चुके हैं, अभी घर ही जा रहे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा देर भी हो चुका है और इतने सारे प्लांट्स हम लोग को दिख नहीं रहे। मतलब बहुत सारे प्लांट्स हैं बट हम लोग उनकी ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि मुझे जिसकी ज़रूरत होगी मैं वही ले जाऊँगा जो मुझे नया प्लांट और यूनिक लगेगा। सो गाइस मुझे जो प्लांट्स लेने थे मैंने ले लिए हैं और अभी मैं घर जा रहा हूँ, उसके बाद फिर घर पर दिखाता हूँ कौन कौन से प्लांट्स को जहाँ पर रखूँगा। और अभी अगर आप यहाँ से प्लांट ले जाना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट मंथ है भाई जुलाई, तो जुलाई में आके आप ले जाइएगा। और मैं भी एक बार आना चाहूँगा, आके देखूँगा, अगर शायद लोटस का प्लांट मिल जाए तो ले जाऊँगा। चलते हैं फिर घर। और एक बार आप और भी देख लीजिए पूरा अच्छे से कैसा है लोकेशन, पूरा हर तरफ भाई ग्रीनरी छाई हुई है। और ये देख सकते हो पूरा हर तरफ ये सब वाटर हाइसिन का प्लांट है भाई। और इसी में बहुत सारे ऐसे अंदर की तरफ दबे हुए हैं बहुत सारे प्लांट्स, जैसे कि रोटेला हो गया, वाटर लिली, जंगल बेल। जंगल बेल मैंने उधर भी देखी थी, मुझे उसकी ज़रूरत थी बट थोड़ा सा दूर था तो मैं ले नहीं पाया। फिलहाल गाइस मैं अपने घर पे आ चुका हूँ, मैंने इन प्लांट्स को ऐसे इसमें लगा दिया है, वाटर हाइसिंथ और इस प्लांट को ऐसे, और इसका एक और स्टम्प था मैंने इसमें लगा दिया है जस्ट कॉइन प्लांट वाले पॉट में। तो इनको मैं कुछ दिन तक ऐसे रखूँगा। और जो ये छोटा सा पॉन्ड दिख रहा है मैं इसमें डालने वाला हूँ बालून मॉली। मैं अभी यही सोचा बालून मॉली ला के मैं इसमें ब्रीड करूँगा। तो कैसा लगा आइडिया ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। और तुम लोग देख ही लो भाई फ्राइज कितना अच्छा ग्रोथ हो चुका है इसमें, और इनका ग्रोथ कैसे हो पाया मैं इसके ऊपर बहुत ही जल्दी वीडियो बनाऊंगा। तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे तभी बनाऊंगा कि फिश के फ्राइज का ग्रोथ कैसे जल्दी जल्दी करवाएं। तो बहुत ही सारे वीडियो आने वाले हैं। और एक और चीज़ मैं अनाउंसमेंट कर देता हूँ, मैंने बहुत पहले एक वीडियो में बोला था कि मैं कुछ नया लाने वाला हूँ। ओके गाइस तो मैं रिवील कर देता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ। गाइस मैं सिकलेट फिशेस लेके आने वाला हूँ, पहली बार अपनी लाइफ में भाई सिकलेट फिश लेके आऊँगा। और फन फैक्ट ये है कि गाइस मतलब मैं एक्वेरियम भी खुद से घर पे बना रहा हूँ, मैं सब कुछ मटेरियल ले आया हूँ, यूट्यूब से मैंने देख लिया है कैसे बनाना है, अब देखते हैं बना पाता हूँ कि नहीं। तो पूरा वीडियो यूट्यूब पे आएगा और उसका टैंक सेटअप भी जब करूँगा तो उसका भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा। तो इसीलिए चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। और अगर मुझे कुछ पूछना चाहते हो मुझसे तो लोग मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और साथ में मेरे मेन चैनल का भी लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं वहाँ भी बहुत मज़ेदार वीडियो बनाता हूँ, बहुत दिनों से नहीं बना रहा था, इनएक्टिव था, बट अब उस पर वीडियोज आएंगी पक्का वाला प्रॉमिस। तो गाइस तुम लोग भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।